ये है Redmi Watch 2 जो चाइना में लॉन्च हो चुका है बट इंडिया में कोई अता पता नहीं है बट पीपल वॉन्ट इट तो Xiaomi लॉन्च इट एंड यू नो ये Amazfit GTS 2 मिनी का प्लास्टिक वाला वर्जन है आई एम यूजिंग दिस वॉच फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज तो सारी चीजें मुझे पता चल चुकी है आई विल टेल यू इन दिस वीडियो जस्ट लुक एट इट मैन डिजाइन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है मुझे पता है कि 4000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे स्मार्ट वॉचेस हैं जो मेटालिक बिल्ड के साथ आते हैं बट फिर भी ये प्लास्टिक का बॉडी है बट स्टिल जो फॉर्म फैक्टर है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है यहाँ पे स्क्वेयर टाइप का डिजाइन है और काफी मिनिमल है काफी सिंपल है और जो थिन रिस्ट वाले लोग है ना उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये फॉर्म फैक्टर कितना अच्छा है मतलब अटपटा सा डिजाइन नहीं है वेल मुझे पता है कि पुराने वाले से बिल्कुल भी नया नहीं है यहाँ पे बट स्टिल 580 mAh वाली वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग इसमें आती है तो मतलब कि 50 मीटर के डेप्थ तक आप इसको ले आ सकते हो वाटर के अंदर स्विमिंग के लिए बट स्टिल आप आफ्टर मार्केट स्ट्रैप्स के साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमें तो पैसे छापने हैं ना एंड व्हाई आई एम सेइंग कि Amazfit GTS 2 मिनी का प्लास्टिक वाला वेरियंट है ये आपको कुछ देर में ही पता चल जाएगा बट फ्यू थिंग्स आर बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन इस बार डिस्प्ले एक एमोलेड पैनल है बिगर है बेटर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी आता है बेजल्स भी कम है और डिस्प्ले का साइज भी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन और डिस्प्ले रियली में यहाँ पे काफी ब्राइट है शार्प है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर देखने को मिलता है अभी अगर मार्केट में आप चेक भी करोगे तो आपको 7000 के ऊपर जितने स्मार्ट वॉचेस आते हैं Amazfit GTS 2 मिनी उसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर देखने को मिलता है बट वो सेंसर इसमें प्रेजेंट है जो काफी इंप्रेसिव चीज है बैटरी बचाएगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके लेकिन अगेन बेजल्स आर टू मच एंड ओनली सिंगल AOD वॉच फेस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बस एक फेस आपको देखने को मिलता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कम ऑन मैन इट्स 2022 सब कुछ अभी ही दे देंगे तो नेक्स्ट ईयर घंटा कुछ दे पाएंगे ओके सो लेट्स कम टू द मेन इम्प्रूवमेंट्स जो पुराने वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में लाइक रेडमी वॉच के कंपैरिजन में रियली में इम्प्रूव्ड है यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू विल फील व्हाइल यूजिंग इट इस बार यूजर इंटरफेस में ना एनिमेशन डाल दिया है पिछले बार कोई एनिमेशन नहीं था काफी कैलकुलेटर वाली फील आती थी बटन दबा रहे हो परफॉर्म हो रहा है एक्शन बट इस बार एनिमेशन है आप स्वाइप करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ एनिमेशन है और अच्छा लग रहा है यूज करने में ट्रांजिशन वगैरह आपको फील होगा बट एट द सेम टाइम आप यूज करोगे तो आपको लैग भी फील होगा यूआई में और हाँ थोड़ा मोड़ा फसा फसा टाइप का आपको फील होगा बट पिछले वाले के कंपैरिजन में डेफिनेटली थोड़ा इंप्रेसिव है यहाँ पे नंबर 2 AI वॉइस असिस्टेंट ये नॉर्मल सा चीज है बाकी सारे लोग भी प्रोवाइड करते हैं बट इंडिया में हो सकता है कि एलेक्सा के नाम से आए या फिर एलेक्सा वाला वॉइस असिस्टेंट इसमें मिल जाए अभी जो है इसमें Xiaomi वाला AI वॉइस असिस्टेंट है जो चाइनीज में लिखता है भाई वो उसी तरह से रिप्लाई करता है और वो इंडियन एक्सेंट को तो डेफिनेटली समझ नहीं पाता बट हो सकता है कि इंडिया में आने के बाद एलेक्सा हो इसमें और अगर एलेक्सा रहता है इस प्राइस पॉइंट पे तो यार रियली में मजा आएगा नंबर 3 हेल्थ मॉनिटरिंग को लेकर के इसमें 2 नई चीजें ऐड की गई है पहला है SPO2 का सेंसर तो SPO2 का सेंसर इसमें परफेक्टली फाइन काम कर रहा है और मैंने बाकी सारे फिटनेस ट्रैकर्स से इसको टेस्ट करके देखा साइड बाय साइड काइंड ऑफ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और हाँ अगर आपको मेडिकल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ज्यादा कम शो कर दे रहा है तो इस पर रिलाई मत करना आप मतलब सीरियसली मत लेना कि हाँ भाई कम शो कर रहा है मुझे लाइक पैंडेमिक में कुछ हो गया है ऐसा नहीं है आप लाइक मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट्स प्रेफर कर सकते हो नंबर 2 हार्ट रेट का सेंसर तो हार्ट रेट का सेंसर इस बार थोड़ा सा इंप्रूव्ड एज कम्पेयर टू रेडमी वॉच और हाँ ये थोड़ा हाई क्वालिटी का सेंसर इस बार यूज करा है इन लोगों ने ऐसा ये बोल रहे हैं और रीडिंग्स की बात की जाए तो रीडिंग्स वही प्रोवाइड करता है जैसे पहले करता था 24x7 वर्क करता है और कंसिस्टेंट रीडिंग्स आपको प्रोवाइड करता है काफी हद तक एक्यूरेट भी है नंबर 4 प्रीवियस वाले में हमें 11 स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलते थे इस वाले में हमें 117 स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलते हैं भाई 117 मुझे तो लगता है थप्पड़ मारने को भी स्पोर्ट्स मोड्स बना दिया होगा डाल दिया होगा इसमें नंबर 5 ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन इस बार इसमें रनिंग और वॉकिंग का ऑटो वर्कआउट मोड डिटेक्शन है तो आप खुद ब खुद अगर चलने लग जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप ये वाला वर्कआउट कर रहे हो और ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा वर्कआउट इसका नंबर 6 डबल टैप टू वेक अप बार बार बटन प्रेस करने का झंझट गया अब बस डबल टैप करो यहाँ पे स्क्रीन वेक कर जाएगा मस्त चीज है नंबर 7 मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक इन्होंने एफ्लेक्सिंग चार्जिंग डॉक प्रोवाइड करा था इस बार मैग्नेटिकली अटैचिंग है जो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच सेपरेट्स इट आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन इज इनबिल्ट GPS अभी 4000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस हैं बट किसी में भी आपको इनबिल्ट GPS देखने को नहीं मिलता जो इतनी सारी चीजें के साथ आता है इतनी सारी चीजें ऑफर करता है इसमें आपको इनबिल्ट GPS मिलता है इट मीन्स कि आप इसको आउटडोर रनिंग के लिए यूज कर सकते हो आप बाहर कभी अगर आउटडोर रनिंग के लिए जा रहे हो आउटडोर साइकिलिंग के लिए कोई भी आउटडोर वर्कआउट के लिए तो आपको फोन साथ में कैरी नहीं करना पड़ेगा ये सारे रूट्स एलोकेट कर लेता है खुद से
से, और बाद में जब आप सिंक करोगे ना डेटा को, लाइक कितने की स्पीड पे आप दौड़ रहे थे, कितने रूट्स आपने लिए हैं, ओवरऑल पूरा मैप में आपको रूट दिखाई दे जाएगा, प्लस ओवरऑल कितना स्पीड था आपका, आप कहाँ रुके थे, आपने क्या करा है, लाइक सारे डेटा आपको एग्जैक्टली सब कुछ प्रेजेंट मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और जीपीएस होने से क्या होता है ना, एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी सारी जितनी बेसिक चीजें होती है जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल, जिसमें आप गाना प्ले पॉज नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक वो सब कर सकते हो आप यहाँ पे, प्लस एप्स और मैसेज के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जितने भी एप्स आपने फोन पे इंस्टॉल करके रखे हैं सारे एप्स के आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। वैसे कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी। हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स में एक है, स्लीप मॉनिटरिंग में नैप मोड वो ऐड किया जा सकता था। अब दिन के टाइम में सो जा रहे हो तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। जो लाइक 2019 से जितने भी स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, स्मार्ट बैंड्स स्पेशली बैंड वॉचेस दे, सब में रहता है वो, इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो ऐड किया जा सकता था। नंबर टू, कॉल नोटिफिकेशन में रिप्लाई विद मैसेज। अब कॉल में खाली कॉल को साइलेंट कर सकते हो, अगर कॉल आ रहा है तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो कॉल को, बट रिप्लाई विद मैसेज नहीं कर सकते। जो नॉर्मल सा छोटा सा फीचर है जो Xiaomi का Mi Band में आता है, Mi Band 6 में, वो इसमें भी रहता तो ज्यादा बेटर था यहाँ पे। तो हैंडलिंग एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो हैंडलिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आपको Xiaomi का Wear एप्लीकेशन मिल जाता है। सिंस ये चाइनीज वाला वर्जन है तो चाइनीज वाले वर्जन को पेयर करना फोन के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसका जो QR कोड है उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा, और उसको स्कैन करने के बाद आपको एक चाइनीज लिंक मिलेगा, उससे आपको वो चाइनीज वाला APK इंस्टॉल करके, मतलब इंग्लिश वो कन्वर्ट हो जाता है आपके फोन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आप इसको पेयर कर सकते हो। बट आपको फोन में जाकर के रीजन चाइना करना पड़ेगा। चाइना करने के बाद ये आराम से Redmi Watch 2 वहां पे डिटेक्ट हो जाएगा और पेयर हो जाएगा आपके फोन के साथ, और सारी चीज एकदम परफेक्टली फाइन काम कर जाएगी। सिंक विंक आराम से हो जाता है, और वेल पॉलिश्ड एप्लीकेशन है Xiaomi Wear एप्लीकेशन। आपको सारे मोड्स वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पे, प्लस आप वॉच को कस्टमाइज भी कर सकते हो और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ओके, सो द बैटरी लाइफ इज अराउंड 3 days, मतलब कि अगर आप इसको हैविली यूज़ करते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, प्लस सारी चीज़ें आप ऑन रखे हो, ब्राइटनेस भी पूरा बढ़ा घटा के रख रहे हो अच्छे से, मतलब पूरे अच्छे से यूज़ कर रहे हो सारे मोड्स वगैरह को, दिन भर टच करते रह रहे हो, इन दैट केस ये मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक टिकेगा। और लाइक नॉर्मली अगर यूज़ करते हो ना कुछ कुछ मोड्स फीचर्स वगैरह टर्न ऑफ करके, तो मैक्स टू मैक्स ये 7 दिन तक आराम से खिंच जाएगा। चलो तो आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। ये वॉच अभी इंडियन मार्केट में थोड़ा डिफरेंट है जितने भी लाइक सेगमेंट में बाकी सारे स्मार्ट वॉचेस हैं, और मैं इसको बुला रहा था Amazfit GTH 2 मिनी का प्लास्टिक वाला वेरिएंट, बट एक्चुअली Amazfit GTH 2 मिनी में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिल जाते हैं जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं, प्लस बेटर वर्कआउट ट्रैकिंग मिल जाता है, और तीसरी चीज़ बैरोमीटर और एल्टीमीटर का आपको मोड मिल जाता है जो GPS के साथ काम करता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है कि वो चीज़ काम करेगी इंडियन वाले वेरिएंट में, क्योंकि एयर प्रेशर वगैरह निकालना लाइक थोड़ा सा चाइनीज़ वाले में हो सकता है कि इंडिया वाले में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, इसलिए नहीं पता चल पा रहा है। बट स्टिल ये वॉच थोड़ा सा डिफरेंट है मार्केट में, बट कुछ कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट्स की डेफिनेटली ज़रूरत है। तो अगर ये वॉच इंडिया में लाइक 4,000 to 5,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होती है ना, अंडर 5,000, तो लाइक एब्सोल्युटली बेस्ट वॉच रहेगी ये। अगर 5,500 पे भी लॉन्च होती है तब भी मैं बोलूंगा कि लाइक बेस्ट वॉच रहेगी ये। और अगर आपको जानना है ना कि स्मार्ट वॉच के अंदर क्या कॉम्पोनेंट लगे रहते हैं, लाइक टीयर डाउन वीडियो, तो इस वीडियो को चेकआउट करो, और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। पीस आउट।